नमस्ते लॉर्ड, मेरा नाम मनीषा कपूर है। मैं मुंबई थाना में रहती हूँ। मैं आज प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में जो भी चमत्कार हुए हैं मैं बताना चाहती हूँ मेरे भाई बहनों को। मैं कुछ दिन पहले ट्रैवलिंग से ट्रैवल करके आ रही थी, उसके बाद मैं यहाँ पे मुंबई आने के बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हुआ, मतलब मैं खाना बिल्कुल नहीं खा रही थी। दो हफ्ते तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं पानी भी नहीं पी रही थी। और फिर मैंने डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन्स वगैरह लिया, फिर भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर के पास हम गए, वहाँ पे पता चला कि फूड पॉइजनिंग है। तो कुछ इंजेक्शन वगैरह का कोर्स स्टार्ट किया, फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन रात को बहुत ज़्यादा पेन हो गई, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने फिर एडमिट कराया हॉस्पिटल में। तो काफ़ी वहाँ पे टेस्ट वगैरह किए, सोनोग्राफी हुआ, ब्लड टेस्ट चेक किया, तो सोनोग्राफी में आया कि मेरे स्टमक में स्वेलिंग है बहुत सारा। तो फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ, तो एक दिन तो फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट डे डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा कि अगर ये स्वेलिंग कम नहीं हुई तो हमें टीबी का टेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने कॉल किया पास्टर मोनी को और प्रे करवाई कि ऐसे ऐसे डॉक्टर्स बोल रहे हैं। उन्होंने प्रे किया मेरे लिए, तो धीरे धीरे करके भी थोड़ा रिकवरी होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा स्वेलिंग भी कम हो गई। दो दिन बाद फिर तीसरे दिन डॉक्टर्स ने बोला कि अभी नॉर्मल हो गया है तो आप घर पे जा सकते हो करके मुझे डिस्चार्ज मिल गया। मेरा रिपोर्ट सारे नॉर्मल आ गए। उसके बाद दो दिन घर पे आने के बाद में मैंने रेस्ट की। फिर वेनसडे बाइबल स्टडी के लिए मुझे जाना था, तो वहाँ पे उस दिन मुझे काफ़ी पेन हो रहा था। मेरी मेडिसिन चालू थी बट मैं ऑफिस से डायरेक्ट गई थी, मेरे पास डोज नहीं था। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा टाइम बैठ के मैं निकल जाऊँगी, बट वहाँ पे बैठने के बाद में मेरा जो भी पेन था वो ख़त्म हो चुका था। घर पे आके भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर फ्राइडे को जब मैं ऑफिस से आ रही थी, तभी बस में आते हुए मुझे एकदम से मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, चक्कर आ गए मुझे और मैं बेहोश हो गई थी। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे, पसीने छूट रहे थे मुझे। मैंने बहुत मुश्किल से मेरी बेटी का कॉल आया था, वो मैंने रिसीव किया और उससे कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मुझे लेने आई थी। ऑटो करके हम घर पे आए तो मुझे चेस्ट पेन चालू हो गया लेफ्ट साइड में, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाथ पैर मेरे ठंडे हो जा रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, वो मेरा बीपी और शुगर चेक किया, तो बीपी लो जा रहा था। फिर वही टाइम पे हस्बैंड ने पास्टर मोनी और पास्टर बाबू से प्रे करवाई, और उसके 40 मिनट्स के अंदर फिर मुझे रिलीफ पड़ गया। मैं कम्प्लीटली रिलीफ पड़ गया मुझे, और उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ।